दोस्तों हमारे देश के नेताओं को अगर चुनाव में गिरगिट देखे ना तो वो भी कॉम्प्लेक्स में मर जाए। ऐसे तो वो भी रंग नहीं बदलता, जैसे हमारे देश के नेता पार्टी बदल लेते हैं। वो गौरव बल्लभ जिन्हें कांग्रेस ने 3 साल में दो अलग अलग राज्यों से विधानसभा का टिकट दिया, जो आप राज्यसभा की सीट भी कांग्रेस से मांग रहे थे, वो वैचारिक मतभेद होने के नाते लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख गए हुए अपनी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और बाकायदा उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी को ज्वाइन करते ही बाकायदा कांग्रेस को गरियाया है। ये वही गौरव बल्लभ है दोस्तों जो खास तौर पर नोटबंदी के बाद से मोदी सरकार पर आर्थिक मामलों में फायर रहते थे, मोदी सरकार के भरसक आलोचक, मोदी जी को इकोनॉमी में लगातार घेरने वाले गौरव बल्लभ अब मोदी जी के पार्टी का हिस्सा बन गए, भाजपाई बन गए। वैसे तो उनको लेकर बहुत सी बातें हुई, वो खुद भी जब बीजेपी में शामिल हुए तो उन्होंने बहुत सी बातें की, लेकिन एक्चुअली में गौरव बल्लभ जब से भाजपाई बने हैं तब से सबसे ज्यादा ट्रोलिंग जानते किन की हो रही है? संबित पात्रा की। लोग ये कह रहे हैं कि वो गौरव बल्लभ जो संबित पात्रा को टीवी डिबेट में 5 ट्रिलियन के जीरो गिनाया करते थे, अब क्या बैठकर संबित पात्रा को ट्यूशन दिया करेंगे कि आओ मैं बताता हूँ कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। दोस्तों कुछ साल पहले एबीपी न्यूज के एक कार्यक्रम में संबित पात्रा और गौरव बल्लभ को बुलाया गया था, जिसमें संबित पात्रा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे जो कि मोदी जी का ख्वाब है। और इसी डिबेट में गौरव बल्लभ संबित पात्रा से सवाल पूछ लेते हैं कि आप 5 ट्रिलियन कर रहे हैं, पहले बताइए 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। और गौरव बल्लभ का इस सवाल का जवाब संबित पात्रा नहीं दे पाते। ये वो दौर था जब संबित पात्रा टीवी डिबेट्स के स्टार प्रवक्ता, बीजेपी की तरफ से स्टार प्रवक्ता हुआ करते थे। लोग कह रहे हैं कि अब जब गौरव बल्लभ भाजपाई बन गए तो उनकी और संबित पात्रा की जो डिबेट हुआ करती थी ना, लोग उसे बड़ा मिस करेंगे। देखिए दोस्तों शुभम शुक्ला ने लिखा है 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं कि आविष्कार गौरव बल्लभ ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया, इतनी भगदड़ क्यों मची है, करियर की चिंता या फिर ? अब इसका सवाल का जवाब तो गौरव बल्लभ ही दे सकते हैं। और सिद्धार्थ रंगनाथ रामेश्वरम लिखते हैं हम गौरव बल्लभ और संबित पात्रा की डिबेट हम मिस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक यूजर ने लिखा है कि प्रोफेसर गौरव बल्लभ ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया है, अब वो बीजेपी ज्वाइन करके संबित पात्रा को सिखाएंगे कि 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। वहीं संबित पात्रा की फोटो पोस्ट करते हुए एक यूजर ऋषि चौधरी लिखते हैं बहुत जीरो पूछ रहा था ना आज बेटा बल्लभ, अब गिनवाता हूँ जीरो। इसके अलावा कुछ मीम्स भी शेयर किए गए हैं, आपत्तिजनक है मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन मजाक उन मीम्स में संबित पात्रा का उड़ाया जा रहा है कि वो संबित पात्रा जो पानी पी पी कर गौरव बल्लभ से लड़ाई किया करते थे, मोदी जी के खिलाफ जब गौरव बल्लभ बोलते थे, अब अगल बगल बैठ के क्या करेंगे भाई, एक ही पार्टी में हो गए अब तो दोनों। इसके अलावा दोस्तों politics.in को कुछ वक्त पहले गौरव बल्लभ ने एक इंटरव्यू दिया था उन नेताओं के खिलाफ जो कांग्रेस छोड़ रहे थे बैक टू बैक, तब गौरव बल्लभ ने उन नेताओं से पूछा था कि 2021 से पहले आपको पार्टी में समस्याएं नहीं दिखती थी, उसके बाद से समस्या दिखने लग गई क्योंकि सबको राज्यसभा की सीट चाहिए। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं गौरव बल्लभ से, क्या उनको भी राज्यसभा की सीट चाहिए थी, नहीं मिली तो बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि बीजेपी में शामिल होकर गौरव बल्लभ को मिलेगा क्या, क्योंकि बीजेपी में तो राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की लिस्ट भी बहुत ही लंबी है भाई। अब ऐसे में गौरव बल्लभ जो अभी कुछ वक्त पहले तक कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ करते नहीं थकते थे, अब मोदी जी की तारीफ करेंगे तो लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे और गौरव बल्लभ की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े करेंगे। दोस्तों खैर ये तो बात की बात रही, लेकिन इस पूरे मसले में गौरव बल्लभ के भी भाजपाई बनने में जिस तरह से संबित पात्रा की ट्रोलिंग हो रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।